ऑलराइट, हमें स्टार्ट करना है एडिशन ऑफ विगनार्ड रिएजेंट से, ठीक है। सो विगनार्ड रिएजेंट हम कर रहे हैं, एडीआईड में एक टॉपिक है जो कि कौन से चैप्टर से मैं करता है, अल्कोहल में, एडिशन ऑफ विगनार्ड रिएजेंट ऑन एडीआईड इन पीपल। ये चैप्टर, ये टॉपिक हमने किया है इन क्लास टर्म वन में अल्कोहल में। तो अगर हम एल्डिहाइड्स में या कीटोन में, जैसे सपोज हम मीथेनॉल ले लें, मीथेनॉल में अगर मैं विगनार्ड रिएजेंट डालूं आर एम जी एक्स, आर पार्शियल नेगेटिव, एम जी पार्शियल पॉजिटिव, तो कार्बन क्या होता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, तो इन दोनों को अगर तुम जोड़ दो तो क्या बनेगा, सी ओ, ओ के पास जाएगा एम जी एक्स, वेरी गुड। और एच तो यही रहेगा, दो एच इस पे थे, दो एच इसी पे रहेंगे, सी एच टू लिखू और आर इस पे जुड़ गया, है ना, राइट। तो ये बना आर सी एच टू ओ एम जी एक्स, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइज, क्या कर देंगे हाइड्रोलाइज, तो ये बना देगा आर सी एच टू ओ एच, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है हमारी जिसमें हम एनी अदर एल्डिहाइड यूज करें, हम क्या यूज करें, एनी अदर एल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड में वी कैन हैव आर एम जी एक्स, विगनार्ड रिएजेंट तो वही है। और सपोज मैंने इथेनॉल यूज किया, क्या यूज किया, इथेनॉल सी एच थ्री सी एच टू, अगेन अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो आर सी पे अटैक करेगा क्योंकि आर पॉजिटिव है, तो आर सी एच और ओ पे एम जी एक्स और यहाँ पे होगा आर सी एच थ्री, क्या होगा सी एच थ्री। फिर इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे एच थ्री ओ प्लस के साथ, इट विल गिव मी अल्कोहल, यहाँ ओ एम जी एक्स हमेशा ओ एच बन जाता है, तो बन जाएगा सी एच सी एच थ्री। तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है व्हेन वी टेक मीथेनॉल, क्या लें मीथेनॉल लें तो प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। एनी अदर एल्डिहाइड लें तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हम टर्शियरी सॉरी कीटोन लें तो हमें मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल। तीसरी रिएक्शन में डालते हैं आर एम जी एक्स प्लस कीटोन का इस्तेमाल करते हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, क्या बनेगा आर सी ओ एम जी एक्स सी एच थ्री सी एच थ्री, एंड फिर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारा ओ एम जी एक्स बन जाएगा एच, अभी बन जाएगा आर सी ओ एच सी एच थ्री और सी एच, दिस बिकम्स टर्शियरी। तो कुछ कन्वर्जन थी बैक साइड पे जो इस पे बेस थी, मैंने बोला था इसके बाद करा दूंगा, ठीक है, उसको करते हैं। तो स्टार्टिंग विद कन्वर्जन, वो करा दिया मैंने, अभी नहीं कराया, तुम अभी आए हो क्या, अभी दिखाता हूँ। अच्छा इसमें कौन सा वाला करना था, सेवन नहीं रहा इसमें, सर सेवेंटीन क्वेश्चन था और उसमें सेवेंथ क्वेश्चन, फिफ्टीन क्वेश्चन में सेवेंथ था, सेवेंथ पार्ट। बेंजील भी आए तो सी फिनाइल प्रोपेन बनाओ, ये वाली कन्वर्जन देखो, विशांत ये देखो, ये करा रहा था मैंने, ये करा है पीछे, देखो अगर हम विगनार्ड यूज करेंगे, ये तीनों क्या है विगनार्ड, ये है विगनार्ड 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 रिएजेंट को एल्डिहाइड मीथेनॉल पे रिएक्ट कराता हूं तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, एनी अदर एल्डिहाइड पे मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है और टर्शियरी अल्कोहल सॉरी
कीटोन के साथ रिएक्ट करा देते हैं मुझे टर्शियरी एल्कोहल मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अप्लाई करके देखते हैं ठीक है। अच्छा तो बेंजाल्डिहाइड है मेरे पास गिवन, बेंजाल्डिहाइड है मेरे पास। तो अगर मैं बोलूं बेंजाल्डिहाइड से कैसा एल्कोहल बन सकता है अगर मैं किसका डालूं तो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी सेकेंडरी भी मिथनल नहीं है या एनी अदर एल्डिहाइड में आएगा। तो सी फिनाइल प्रोपेनॉल देखते हैं, तो सी पे फिनाइल प्रोपेन वन और सी पे फिनाइल प्रोपेन वन, तो मैं ये सोच सकता हूँ सी फिनाइल प्रोपेन वन और चेक करूँ कि कैसा एल्कोहल है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी। ये रहा अल्फा कार्बन और अल्फा के ऊपर कितने बीटा दिख रहे हैं तुम्हें, अल्फा बीटा सी फिनाइल प्रोपेन वन और देखो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है सी ओ, ये है बेंजाल्डिहाइड ठीक है, और ये बेंजाल्डिहाइड का ओ और ये पूरा बेंजाल्डिहाइड का ग्रुप है। तो बाकी बचा किससे आएगा, ग्रिग्नार्ड से, किससे आएगा ग्रिग्नार्ड से, ग्रिग्नार्ड से अगर आएगा तो मुझे कौन सा ग्रिग्नार्ड लेना पड़ेगा, सी एच थ्री सी एच टू एम जी सी एल ले ले है ना, और फिर इसको डायरेक्ट हाइड्रोलाइज कर दूंगा तो ये बनेगा। ये वाली बात ये था, अगर ये वन पे नाइन प्रोपेन बना होता तो ऐसे कर देते ठीक है। अब अगर हम बात आ रही है कि हमें बना रहे थ्री फिनाइल प्रोपेन वन और तो उधर से इधर जाए, इधर से इधर आएगा एक ही, फिर एक से इधर जाएगा और एक से इधर जाएगा, इधर तो नहीं आएगा। थ्री फिनाइल प्रोपेन वन तो ये और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सोचो, एसिटल एटल सीएच थ्री एच तो ये कार्बन किसी भी रहेगा वन फिनाइल चल सोचता हूँ भैया ठीक है। ये वाली समझ आई वन फिनाइल प्रोपेन वन और की नेक्स्ट और इसके अंदर कौन सी हमने ब्रोमोबेंजीन टू ये करके दिखाए वन फिनाइल इथेनॉल सिक्स कन्वर्जन इसके बेसिस पे ट्राई करें ब्रोमोबेंजीन टू वन फिनाइल इथेनॉल कीटन से हो सकती है वो वाली कीटन से देखते पहले ही जल्दी से सोचता हूँ सर एक बार लास्ट स्क्रीन दिलाना और इससे बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल
ये भी हो जाएगी अगर हम रिटायर्ड क्वेश्चन यूज कर दोगे अच्छा ये वाला हो जाएगा बट अभी आगे के रिएक्शन में हो जाएगा हाइड्रोल कंडेंसेशन से ठीक है तो अभी हम वन फिनाइल किया हमने सीधा भी ना कराओ ठीक है नेक्स्ट ये करो ब्रोमो बेंजीन टू वन फिनाइल कर सकते हैं इसे तुम्हें लाना क्या है यहाँ पे सी एच थ्री सी एच ओ बोल सकता हूँ इसे मैं देखो ये वाला पार्ट ये सेकेंडरी अल्कोहल है प्राइमरी है सेकेंडरी है तो सेकेंडरी अल्कोहल एनी अदर बन सकता है कितना रिएक्टर के और ये कौन सा एलियन है CH3CHO और अगर मैं इसको ग्रिग्नार्ड से ले लूं तो बन जाएगी काम इसको ग्रिग्नार्ड बना दूं और ऊपर वाले को एल्डिहाइड ले लूं तो ऊपर वाला एल्डिहाइड क्या होगा CHO तो यानी कि CH3CHO इथेनॉल और इसको मैं बना दूं MgBr क्या बना दूं ग्रिग्नार्ड क्या बना दूं ग्रिग्नार्ड कैसे बनाते हैं ये तो हमें पता है एल्काइल लाइन और एराइल लाइन दोनों ग्रिग्नार्ड बन जाते हैं बाय एडिंग Mg इन राइल Mg और ड्राइथर के साथ ये बन गया बेटा और इसको मैंने नीचे जो भी रिएक्ट करा है जो तुमने प्लस माइनस करना था वैसे करके देखो और फिर हाइड्रोलिसिस से ही बन गया H3 नहीं समझ आ रहा नहीं आ रहा H2CH2 ये वाली बात ऐसे है ना देखो सेकेंडरी अल्कोहल है यस और नो ठीक है यस अगर मैं इसको दो तरीके से देख सकता हूं मैं इसको बेंजाल्डिहाइड पे मिथाइल क्लोराइड आए पर ब्रोमोएनजी को बेंजाल्डिहाइड बनाना मुश्किल था जैसे पीछे मैंने क्या देखा पीछे मैंने इसको बना दिया था एल्डिहाइड क्यों क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन था एल्डिहाइड है ना और इसको मैंने बना दिया था ग्रिग्नार्ड पर मैं इसको उल्टा भी तो कर सकता था मैं ऐसे भी तो सोच सकता था कि ये मेरा एल्डिहाइड हो और ये मेरा ग्रिग्नार्ड हो ऐसे भी तो सोच सकता था पर उस समय मेरे लिए ये आसान था क्योंकि मेरे पास गिवन था बेंजाल्डिहाइड क्या गिवन था बेंजाल्डिहाइड इस बार अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास Br गिवन है क्या गिवन है ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन से मैं बेंजाल्डिहाइड बना सकता हूँ पर वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा इससे अच्छा मैं ऊपर वाले को एल्डिहाइड ले लूँ क्या ले लूँ एल्डिहाइड CH3CHO इथेनॉल और इसको ग्रिग्नार्ड बना दूँ तो दोनों तरीके से काम हो सकता है एक कोई भी ग्रिग्नार्ड चाहिए एक एल्डिहाइड चाहिए तो समझ आया एक और करेंगे ऐसा ठीक है तो फिर उस अल्कोहल को तोड़ के देखना कि तुम क्या किस में तोड़ सकते हो तुम इसकी प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द व्हिच एल्डिहाइड कैन यू यूज टू प्रिपेयर दिस कीटोन या कौन से ग्रिग्नार्ड और कौन सा एल्डिहाइड कीटोन तुम यूज कर सकते हो टू मेक दिस अल्कोहल क्या नाम है CH3CHO ठीक है ये एक अल्कोहल बनाना है कौन से एल्डिहाइड को यूज कर सकते हो ग्रिग्नार्ड में बोलो मैं इसके ऊपर से एक ही कर सकते हो कि तुम ये एल्डिहाइड ले लो इथेनॉल और इसको ग्रिग्नार्ड में ले लो एक और सेट हो सकता है क्या ये वाला प्रोपेनल एल्डिहाइड में ले लो और इसको ग्रिग्नार्ड में ले लो समझ में आ रही है बात तो तुम कुछ भी कर सकते हो तुम्हें कुछ भी नहीं करना एक एल्डिहाइड और एक ग्रिग्नार्ड ले और उसमें हाइड्रोलिसिस कर देना तुम चाहे CO को इस साइड लो या CO को इस साइड लो इसी तरीके से इस रिएक्शन में मेरे लिए आसान था कि मैं इसको ग्रिग्नार्ड में ले लूं और इससे पिछली वाली रिएक्शन में आसान था कि मैं इसे एल्डिहाइड में ले लूं क्योंकि मुझे ऑलरेडी एल्डिहाइड गिवन था तो ये क्वेश्चन समझ आई थोड़ी सी डिफिकल्ट थी क्योंकि अल्कोहल से रिलेटेड था ये टॉपिक बहुत पीछे रह गया समझ आया हो पाएगा ट्राई कर पाएंगे
और देखिए इसका yes. अच्छा ट्राई करें बेंजीन है तो बेंजोफिनोन हो गया ना हमारा करेक्ट फिफ्थ बेंजीन है तो बेंजोफिनोन ये बहुत डिफिकल्ट कन्वर्जन है ना ये चैप्टर में अच्छी है जैसे हेलोइन में पेपर में ना है सर वो प्रोमो पेन भी तो अनफिनाइट इस्तेमाल वाली भी स्क्रीन के साथ देने ये वाली ये ब्रोम एंड डिवाइस तो पॉलिटिकल है हां सॉरी सर मैं ये वाली आ जाए नोट कर लिए अच्छे से समझ आ गई नोट भी नहीं करी ये वाली आ गई नहीं करी है नेक्स्ट करें बेंजीनहाइड से हम बना रहे और मैं बता देता हूँ रिएक्शन कौन सी यूज होनी है यही वाली जो भी हमने सीखी जो भी हमने ग्रिग्नार्ड वाली सीखी है ना उसी को यूज करके देखो कर सकते हो क्या तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो बेंजीनहाइड से और तुम बना रहे बेंजो हो गया नहीं करना तुम और थोड़ा हिंट दे दो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है ठीक है कीटोन नहीं ये एक अल्कोहल है CHOH ये सोच सकते हो इसको इसको ये सोच सकते हो और इससे यहां बनाने के लिए अल्कोहल से कीटोन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं CRO तुम ये बना सकते हो इस कैसा अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अच्छा अगर मैं बोलूं एक को मैं एल्डिहाइड ले लूं एक को क्या ले लूं एल्डिहाइड और दूसरे को क्या ले लूं ग्रिग्नार्ड तो ये मेरा एल्डिहाइड हो गया ये क्या हो गया बेंजीनहाइड क्या हो गया तो दूसरा किससे आएगा ग्रिग्नार्ड से तो ग्रिग्नार्ड ले लो MgBr समझ आई बात नहीं आई बट सर ये टर्शियरी अल्कोहल है टर्शियरी का है सेकेंडरी है ये दोनों तरह से जुड़ा हुआ है हां जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी है तीन तरह से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी है मैं
और दूसरी साइड भी ग्रेनाइट से आएगी, तो एक बेंजल्डिहाइड तो मुझे गिवन ही था और दूसरा मैंने क्या यूज किया, ग्रेनाइट। तो MGBR इसको अटैक करेगा तो ये हाइड्रोलाइसिस से गिरेगा। ठीक है, तो हम वो बेंजोफिनोन में नहीं कर सकते। बेंजोफिनोन में क्या नहीं कर सकते, हमने पहले वाला स्ट्रक्चर बनाया था उसको CRO3 में हम कन्वर्जन कर रहे हैं ना, ये तो बनाना है। हम बेंजल्डिहाइड से सीधा बेंजोफिनोन में कर सकते, दो स्टेप तो कम से कम चलेंगे, ऐसा तो नहीं है दो स्टेप से छोटा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं आ सकता। नेक्स्ट सर, हां बोलो। तो ये जो लास्ट वाली में एक बार रिपीट कर दूं, ये वाली, यस सर, बहुत बढ़िया। तो अभी आए और मैं नहीं सर, एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड, हाँ तो देख सकते हो बेंजल्डिहाइड होगा, एक साइड एल्डिहाइड से है और एक साइड कीटोन से है, ये बेंजल्डिहाइड है। अच्छा, और हमें बनाना है ये सर, वो ये तो लिया हमने उसको ग्रिग्नार्ड भी तो लिया है, हां ग्रिग्नार्ड लास्ट वाला बनाया, तुम्हें ही देखना है। अगर सपोज ये वाला पार्ट मुझे साफ साफ दिख रहा है बेंजल्डिहाइड से आया, ये किससे आया, बेंजल्डिहाइड है ना, तो मुझे अटैक कराना है ग्रिग्नार्ड का, तो बाकी बचा पार्ट किस में होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड कौन सा लेना पड़ेगा तुम्हें, फिनाइल MGBR ये लेना पड़ेगा है ना। पर जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल मिलता है, क्या मिलता है, अल्कोहल को कीटोन बनाना हमें आता है, तो बस वो कर समझ आया अपन सारण, क्लियर, तो सी यस सर आ गया, और इसको हाइड्रोलाइज कर दे H3O+ लगा देगा H3H और फिर CR। ये क्लियर, बड़े आगे नेक्स्ट कर सकते हैं कन्वर्जन।
अच्छा और कौन सी कन्वर्जन हम कर सकते हैं? तुमने होमवर्क कर लिया था? 12.5 हो गया ना? उसके कुछ पार्ट्स दिए था। सारे नहीं दिए? नहीं, क्योंकि उसके एसिटिल कीटल तक हम कर चुके थे, है ना? अब आ रहा है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट पार्ट तो ये टॉपिक है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। वही तो रह गया ये ये टेबल की बात करते हैं। दिस इज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसकी रिएक्शन बनाएंगे। इसकी जनरल रिएक्शन है, देखो ये अगर हम बात करें, हम लें एल्डिहाइड या कीटोन, क्या लें? एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है? इस पर रिएक्ट कराएं अमोनिया से जुड़ी हुई कोई चीज Z, अमोनिया का डेरिवेटिव NH2Z रिएक्ट करा, तो ये रिएक्ट करेगा उसी तरीके से जैसे हमने अभी सीखे थे। इसके अंदर क्या होता है, N और H का बॉन्ड टूटता है। किसका बॉन्ड टूटता है? N और H का। N नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से, ठीक है? तो ये कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C, और O के ऊपर क्या जाएगा? H. OH हो जाएगा, और ये बन जाएगा N H Z, ठीक है? और ये जो दो बॉन्ड थे वो एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? तो नेगेटिव वाला किससे जुड़ा? पॉजिटिव से, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से। ये H टूटा था, NH2 का क्या टूटा था? H. यहाँ पे समझ आया? तो हमारे क्या क्या पार्ट्स आए हैं यहाँ पे? एक H आया है और एक N H Z, किसके ऊपर ऐड हुआ? एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है? शरण, अच्छा फिर इसके अंदर से वाटर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर। दैट मींस OH इधर से और H इधर से, H2O निकल जाता है, और ये डबल बॉन्ड N के साथ फॉर्म हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NZ, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NZ, ठीक है? यहाँ तक अभी जो C डबल बॉन्ड NZ है, ये इसमें Z क्या हो सकता है इसकी बात करें तो Z हो सकता है H हो। अगर Z H हो तो हमारा रिएजेंट क्या होगा? NH2Z पे H लगा दो, क्या बन जाएगा? NH3। क्या बन जाएगा? NH3 अमोनिया। तो रिएजेंट का नाम क्या कहलाएगा? अमोनिया। अच्छा NH2 पे अगर मैं R लगा दूं, क्या लगा दूं? R एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा? अमाइन। क्या बन जाएगा? अमाइन, ठीक है? अब तो पहले तुम रिएजेंट्स बना दो सारे, ठीक है? पहला रिएजेंट है अमोनिया, दूसरा रिएजेंट है अमाइन, तीसरा रिएजेंट NH2OH, वो क्या है? हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोक्साइल अमाइन। इन सब के नाम लिखते जाओ। अच्छा NH2 पे एक और NH2 लगा दो, तो इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। NH2 पे NH और बेंजीन लगा दो, इसे बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है? फिर NH2 पे NH और फिनाइल हाइड्राजीन पे 2 और 4 पे डायनाइट्रो लगा दो, तो दिस इज कॉल्ड 2-4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है? सर NH पे हाइड्राजीन, देखो टेबल से ही पता चल गया सारे नाम, वो नाम तुम्हें लिखने हैं सारे, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट है NH2 NH CO NH2, इसे क्या बोलते हैं? सेमी कार्बोक्साइड। क्या कहलाते हैं? सेमी कार्बोक्साइड। तो इनके नाम लिखो यहाँ पे, ये सारे रिएजेंट्स के नाम लिखो, कमांड ये नाम यहाँ लिखे हैं। देखो NH2OH लगाया हाइड्रोक्साइड, NH2NH2 लगाया हाइड्राजीन, कंप्लीट करें।
अब क्या करोगे? अब मैं यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन बना हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला बनाया CH3CHO, क्या बनाया CH3CHO इथेनॉल, ठीक है। और यहाँ पे अमोनिया का डेरिवेटिव भी दूंगा रैंडम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया NH2NH और फिनाइल, तो ये क्या बना, क्या नाम है इसका, फिनाइल हाइड्राजीन, इसे बोलते हैं हाइड्राजीन, क्या बोलते हैं, और फिनाइल लगा दे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। अब फिनाइल हाइड्राजीन में से तुम क्या करोगे, NH2 को छोड़कर बाकी सबको Z समझोगे, क्या सोचोगे, Z, ठीक है, सोचोगे Z, और तुम एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर डबल बॉन्ड NZ लगा दोगे फाइनल, सीधा क्या बना दोगे, C डबल बॉन्ड के ऊपर NZ, तो तुमने लिया CH3C, एक H इधर रखा, देखो ये तो मेरा एल्डिहाइड था और इसके ऊपर डबल बॉन्ड N के साथ Z क्या था, N, पहले N आएगा, पहले क्या आएगा N, फिर आएगा Z, फिर N H और फिनाइल, फिर इस प्रोडक्ट का नाम लिखोगे फिनाइल हाइड्राजोन, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, फिनाइल हाइड्राजोन। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, पहले तुम अपने रिएजेंट में से Z को निकाल लोगे, Z क्या है उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर जो भी तुम एल्डिहाइड है उसका C डबल बॉन्ड को ऐसे कर दोगे, C डबल बॉन्ड O, CH3 और H और डबल बॉन्ड O, यहां पर N तो जुड़ेगा ही सबके साथ और जो Z है उसका वो भी जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। समझ आएगा कैसे बनाना है यश अपूर? नेक्स्ट कोई भी ले लो एल्डिहाइड और कोई भी रिएजेंट कर लोगे सर, तो बीच का स्टेप नहीं करना, बीच का स्टेप नहीं करना, बीच का स्टेप मैं सिखा चुका हूं, अगर कभी करने को आ जाए तो हम कर लेंगे, पर हमें डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो और कैसा भी एल्डिहाइड या कीटोन हो डरना नहीं है, ठीक है, इसमें ऐड करो सेमी कार्बोसाइड, इसमें दो एनएच होते हैं पर ये इस वाले साइड से अटैक करता है, ठीक है, तो इसमें सेट किया है पूरा का पूरा, ये चलो ऐड करो, ऐड करते जाओ, मैं चेक करूंगा तुम सबका इस बार, प्रोडक्ट के नाम भी लिखने हैं, जल्दी से करते जाओ। किसका
सेकंड वाले का किस रूल लगता है ना ये बताओ अरे ये जैसे और यस तो इसका बनेगा डबल बॉन्ड एन सीएच3 get substituted imine to uska badha mod jata ha substituted imine double bond n NH hydrazone of butanone butane 2 NH2 ho jayega NH2 theek hai acha H C double bond ki jagah N OH aur H na मीथेनॉल क्या होता है एच सी डबल बॉन्ड ये एच सी एच डबल बॉन्ड हो ठीक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन ओ एच हाइड्रोक्साइड ये हो गया अच्छा ये हो गया इमाइन ऑफ शिप्स बेस बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं शिप्स बेस सब्स्टिट्यूटेड इमाइन इसे बोलते हैं हाइड्राजोन ऑफ ब्यूटेनॉन हाइड्राजोन किसका ये ब्यूटेनॉन ये है ऑक्साइन ऑफ मीथेनॉल ऑक्साइन ऑफ मीथेनॉल समझ आए कर पाएंगे अब क्वेश्चन बैक से इसे करें सर को लास्ट वाला बता लास्ट वाला एन के साथ वाला जेड है ये पूरा एन इसके जेड है और एन जेड जोड़ना होता है तो एन जेड जोड़ दिया डबल बॉन्ड ठीक है हां कहां उसका वो था से पहले दिया अच्छा इसका बनेगा डबल बॉन्ड एन एन एच सी ओ एन एच टू सेमी कार्बाजोन कार्बाजोन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन ठीक है क्लियर है समझ आए बन पाएंगे इजी है ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा नेक्स्ट तो अब तुम ये करके दिखाओ बैग से ठीक है हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12.5 का वन ये तो सारे हो गए एक दो तीन ये कर लिए थे होमवर्क भी किए थे Thank you.
साइक्लोप्रोपेनॉन का ऑक्साइड NOH है ना, भावे हो रहा है नहीं? किसी से नहीं हो रहा तो अभी बता दो, देखो 10 दिन रहेगा। डाल
किसमें थर्ड वो कीटोन है ना वो साइक्लोप्रोपेन कीटोन है तीसरा कीटोन होता है सी डबल बॉन्ड इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है कि ये 100% खत्म हो जाए। क्लियर है ये माइंड?
तो जो भी है डाउट लो मेरे साथ, कभी भी लो डाउट मुझे, मैं तुम्हें सार पिटा के करा दूंगा, पर अभी कंप्लीट करो, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट सेमी कार्बन जोन ऑफ ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन तो है साइक्लोब्यूटेनॉन, है ना। अच्छा, इसका सेमी कार्बन जोन बनेगा सेमी कार्बाजाइड के साथ H2CO NH2, और इसका हमें पता है जेड पूरा का पूरा क्या है, जेड ये पूरा है। तो डबल बॉन्ड खुशी, जो भी चीज होता है डबल बॉन्ड के साथ ही रहती है, डबल बॉन्ड एन जेड, जेड लगा NH CO NH, ये हो गया। यस एवरीवन, ऑनलाइन क्लियर, यस और नो? यस। नेक्स्ट इथाइलीन कीटल ऑफ हेक्सेन थ्रीओन, ये मिटा दूं? यस सर। फिर से समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? विशांक, साइक्लोब्यूटेनॉन, ये तो गया, इथाइलीन कीटल ऑफ हेक्सेन थ्रीओन, हेक्सेन साइक्लो नहीं है, हेक्सेन थ्रीओन, और इसका क्या करना है, इथाइलीन ग्लूकोन, इथाइलीन ग्लाइकोल, ये तो इजी है बड़ा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये हेक्सेन थ्रीओन हो गया। और कीटल किसके साथ बनता है, कीटेन लाइक स्ट्रक्चर, कीचेन लाइक स्ट्रक्चर, इथाइलीन ग्लाइकोल के साथ, किसके साथ, H2 निकाल देना, तो था याद आ गया, H2 निकाल दिया और कीटल बना देते हैं। सर वो नहीं आएगा उसमें, वो नहीं आएगा, दो और आ जाएगा, दो अच्छा, तो H O H O, ठीक है, H2O निकाल देते हैं, ठीक है, तो बना क्या, CH3 CH2 बना रहे हो साथ सर, CH2 CH2 CH3, O O CH2 CH, ये बना, ठीक है, समझ आया, कीटल बनाना याद आया, ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। मिथाइल घर पे एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना, अगर तुम्हें लग रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, यही एनसीईआरटी की क्वेश्चन करके जाने हैं हमें, और तो कुछ इससे ज्यादा बाहर का नहीं आ सकता, जब ही तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो ये हो जाएगा। अब है मिथाइल हेमिएसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड होता है मीथेनॉल, क्या होता है इसके अंदर, हेमिएसिटल बनाना है या एसिटल, और मिथाइल इथाइल बताते हैं कौन सा अल्कोहल डाल रहे हैं, मीथेनॉल इथेनॉल, ठीक है, तो CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइन HCl, ठीक है, ऐड करो, तो कैसे बताया, कैसे बताया था हमने, हमने बोला था एसिटल का अटैक, फिर से बता रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पे माइनस ए प्लस, माइनस जाएगा प्लस के पास और प्लस जाएगा माइनस के पास, सिंपल, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, HCOH, यहाँ पे आ गया OCH3 और एक H इसके पास ऑलरेडी था, ये हो गया मिथाइल हेमिएसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, समझ आया। अगर मैं इसको मिथाइल एसिटल बोलता तो मैं एक और बार क्या करता, CH3OH एक और बार डालता और उसको इसकी जगह पे रिप्लेस करता, ठीक है, थोड़ा थोड़ा घुस रहा है दिमाग में, नहीं घुस रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहे सुना, कब जो यश, अच्छा चलो बिटा दू लास्ट, ये वाला, ये ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड है ना, फिनाइल एनपीआर किस पे डाल दें, साइक्लोहेक्सेन कार्बन, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये बिटा दू ना, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डाइऑक्साइड जब CHO मेन चेन से बाहर हो, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या डालना है, कनिष्क क्या डालना है, फिनाइल, फिनाइल मैग्नीशियम
ये डालना है, ठीक है, ये डालने के बाद ठीक है H2O प्लस भी डालना है। तो हमें पता है यहाँ पे CH3, ये इसको अगर कभी भी कंफ्यूजन आए LiH के रिएक्शन में तो प्लस माइनस बना दो, और तुम्हें पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड कैसे टूटता है, ये प्लस ये वाला पॉजिटिव, ये नहीं नेगेटिव होगा, ये है ना, ठीक है, ये किसके जाएगा इसके पास, और ये किसके पास जाएगा इसके पास, दोनों को जोड़ दो तो बनेगा सी ओ एम जी पी आर के बाद हाइड्रोलिसिस के बाद वो क्या बन जाएगा ओ एच, और एक एच इसी के ऊपर छोड़ दो और फिनाइल जोड़ दो, ठीक है, ये बनेगा। जल्दी से कंप्लीट करें जल्दी से कंप्लीट करें, आगे बढ़ सकते हैं, हाइड्रोलिसिस पे चले, नहीं अभी तो भी रहते हैं। पर वो वाला क्वेश्चन की डिस्कस कर लो जिसको होता है कि सेमी कार्बन जोन में दो बार एच टू होते हैं, बट एक ही हाँ कर लेते हैं, ये मिटा दूँ, यस टेस्ट किसने नहीं दिया है, फुल वैसे किसी ने नहीं दिया है, किसने दिया है देखो शर्म करो, फुल कोर्स का टेस्ट लिया था तुम्हारी भलाई के लिए, मैं तो क्या है मत दो, ठीक है, फुल कोर्स का टेस्ट दे दो, पता तो चले कहाँ आ गए, ये कौन सा तुम्हारे घर पे फोन करके कह रहा हूँ आपका बच्चा फेल हो गया, तो टाइम चला गया उस बात, सर वो भी आप कर सकते हो उसका, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, तुम अपनी परफॉर्मेंस तो देखो कहाँ पहुँचे हो, क्या फिजिक्स पढ़ लो क्या, फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स वालों को लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री वालों को मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स वालों को फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे, खुद को सुन रहे हैं बेटा, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश इंग्लिश तो सर बहुत अच्छा, तो एक क्वेश्चन था ये शायद यहाँ पे बैक से भी होना चाहिए, वो एक इलेवेंथ भी करते हैं ये भी करते हैं टेंथ भी, पर पहले बोलता हूँ सेमी कार्बाज़ाइन हैज टू नाइट्रोजन बट अटैक टेक्स प्लेस ओनली थ्रू वन, ये रहा ठीक है, देयर आर टू NH2 ग्रुप, क्वेश्चन लिखो ये कॉपी में लिखो, देयर आर टू नाइट, अच्छा एक्चुअली ऊपर वाला क्वेश्चन भी देखें दोनों में, सर इसके ऊपर वाला भी हां वो भी ये भी दिया था सर आपने, ये दो में ही थे, अरे पास चेक भी करना है, कम ऑन, देयर आर टू NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बा जाइड, नोट्स तो अच्छे बना रहे हो ना, सेमी कार्बाजाइड में टू NH2 ग्रुप्स हैं, उनमें से एक पे अटैक होता है, यश बता चुका है मुझे आंसर, और कौन बताएगा, मेरा तो नेक्स्ट ईयर रेजोनेंस, अब तू मुझे रेजोनेंस बोल दिया तो समझाते रेजोनेंस कैसे बने, सर बहुत पे मान लो आप डेमेस रूट स्टेबल होता है, लोन पेयर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, लोन पेयर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, इसके भी लोन पेयर है, लोन पेयर अल्टरनेट लोन पेयर होता है, लोन पेयर अल्टरनेट लोन पेयर, ठीक है, तो कौन कौन रेजोनेंस में आ सकता है, देखो रेजोनेंस की कंडीशन है लोन पेयर अल्टरनेट आ जाए विद डबल बॉन्ड, जो कि आ रहा है यहाँ पे, ये वाला भी लोन पेयर अल्टरनेट विद डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, डबल बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, मैं ये कह रहा हूँ डबल बॉन्ड लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, जहां तक लोन पेयर और अल्टरनेट डबल बॉन्ड चल रहा है, ये तीन कंडीशन होती है रेजोनेंस की, लोन पेयर अल्टरनेट विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट विद पॉजिटिव चार्ज, इन केसेस में क्या हो सकता है रेजोनेंस, ठीक है, तो कौन कौन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये वाला NH इन्वॉल्व है, ये वाला इन्वॉल्व है, क्या इसके डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, यस और नो, ठीक है, तो कैन आई से कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको अगर हम यूज करें अटैक के लिए तो इससे स्टेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, रेजोनेंस अगर हट गई तो स्टेबिलिटी हट जाएगी, तो बोलेंगे सेमी कार्बाजाइड हैज टू, लिखें सेमी कार्बाजाइड हैज
two terminal N nitrogens, two terminal NH2 bond, but one of them is involved in resonance as follows. Is involved in resonance as follows. और वो क्या है? NH2C double bond NH2 है ना? तो ये वाला हम देख रहे हैं, ये वाला लोन पेयर, हम कह रहे हैं दो टर्मिनल पे दो NH बॉन्ड्स हैं, देखो एक NH बॉन्ड ही है, पर अटैक किसी से होता है, किससे होता है इस वजह से, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में चला जाता है, किसमें चला जाता है? रेजोनेंस, रेजोनेंस में जाने पे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा हमें, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा NH डबल बॉन्ड CO माइनस NH, इसको पॉजिटिव है NH, NH2. तो ये रेजोनेंस दिखा रही है कि एक टर्मिनल NH2 जो है वो रेजोनेंस में है, ठीक है? So attack takes place from the other nitrogen which is not involved in resonance. Attack takes place from nitrogen which is not involved in resonance, which is not involved in resonance. Yes, समझ आया? Yes. Because resonance, हाँ कहाँ से? वो जहाँ से attack नहीं करता वहाँ से. हाँ, यहाँ से attack नहीं कर सकता क्योंकि ये resonance में आ रहा है. ये वाले nitrogen से attack कर सकता. ये रेजोनेंस में नहीं, तो इधर से अटैक करो, ठीक है? रेजोनेंस अगर इफ रेजोनेंस इज डिस्टर्ब स्टेबिलिटी इज डिक्रीज, ये भी याद रखना. अब क्यों नहीं करता? रेजोनेंस कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इफ रेजोनेंस इज डिस्टर्ब स्टेबिलिटी इज रिड्यूस्ड. बस ये एलडीहाइड ठीक होने में टाइम लगेगा, हम नाइन वगैरह में इतना टाइम नहीं लगेगा, हम बस सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो इस बार में एलडीहाइड ठीक होनी है देखा जाए तो. और कौन सा लगता है? वैसे तो एक और इधर से भी बनेगा, पर हम वो एक का दिखा रहे हैं ना जो नाइट्रोजन बॉल है, इधर से भी आएगा. बेटा तू नेक्स्ट ऊपर वाले बताओ. साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म साइनोहेड्रिन इन गुड ईट बट 2-6 ट्राई methyl cyclohexanone does not. So do to steric hindrance in 2-6. During steric hindrance. Bas, aadha wo, aadha no. Acha, hum keh rahe hain cyclohexanone cyanohydrin banata hai. Cyclohexanone cyanohydrin banata hai, yani HCN se react karta hai. But 2-6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन साइनोहाइड्रिन से रिएक्टिंग करता. साइनोहाइड्रिन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, अमोनिया मिक्स डेरिवेटिव, ये सारी कौन सी रिएक्शन के मैकेनिज्म के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन.
तो अब बात क्या है, साइनोहाइड्रेजन दोनों पे रिएक्ट कर रहा है, किससे? साइनोहाइड्रेजन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, येस और नो? और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड या कीटोन? ड्यू टू विच रीजन? स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे भी कीटोन है, येस और नो? पर जो रीजन हमने वहां पे दिए वही रीजन यहाँ पे देंगे, ड्यू टू स्टेरिक रीजन। क्यों? क्योंकि स्टेरिक रीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत होगी जब बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप्स उसके रास्ते में है, न्यूक्लियोफाइल को आने में क्या होगा, मुश्किल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइल ग्रुप्स विल स्टेरिकली हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और अगर मैं बोलूं दूसरा रीजन भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिर्फ स्टेरिक रीजन डालेंगे तो आधा नंबर मिलेगा, पूरा रीजन इलेक्ट्रॉनिक में भी आएगा, स्टेरिकली हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और सेकंड रीजन क्या है शीना? इलेक्ट्रॉनिक रीजन बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, कौन से ग्रुप की वजह से होगा, जो ऊपर वाले में नीचे वाले में? तो मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बाय या ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू प्लस आई इफेक्ट, कौन सी इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट, व्हिच डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। तुम देखो ये सारे CH3 ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक रीजन में CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से व्हिच decreases the electrophilicity of carbonyl carbon, which decrease electrophilicity of carbonyl carbon. Yes, ये दोनों पॉइंट समझ में आए, yes or no? अरे last point कह रहे हैं, जो CH3 group है वो अपना electrons देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने से वो कार्बन हमें पॉजिटिव चाहिए होता था, जिसपे ये सारी रिएक्शन कब हो रही है जब कार्बन पॉजिटिव है, और वो अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव को कम कर देगा, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देगा, कम। ठीक है, क्लियर है ये दो रीजंस? यस और नो रिधिमा? क्लियर प्रिया? यस सर। अरिजी, तनीषा, अश्मी, भाविक क्लास में है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और क्या कुछ लगेगा अभी तक? सर ड्राई HCl वाला भी था, एसिड करना है। हां, वो भी कर। व्हाई इज ड्राई HCl यूज्ड इन एसिटिल फॉर्मेशन एंड कीटल फॉर्मेशन? क्वेश्चन लिखो, व्हाई ड्राई HCl इज यूज्ड इन एसिटिल एंड कीटल फॉर्मेशन? तो इसका रीजन हम क्या देंगे कि देखो एसिटल और कीटल में जो HCl है, HCl अपना प्रोटॉन दे देता है O को, क्या दे देता है O को, प्रोटॉन। तो सॉरी, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, HCl अपना H किसको देता है, O को, O को नेगेटिव बनना पड़ता है, इसके लिए क्या बनना पड़ता है, नेगेटिव। वो नेगेटिव बनेगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा बॉन्ड से, और इसी बात पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। तो पॉइंट इज दिस दैट ड्राई HCl प्रोटोनेट्स 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 डोनेट्स द प्रोटॉन, इट्स डोनेट्स प्रोटॉन टू कार्बोनाइल ऑक्सीजन to carbonyl oxygen, which increases the electrophilicity of carbonyl carbon, which increases electrophilicity of carbonyl carbon. Harman, ये वाली बात clear है? Yes sir. नहीं बनाना, बस एक मिनट, ठीक है, clear your point?
ठीक है, बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन भी होंगे नेक्स्ट, और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं सर। इट्स ए लास्ट थिंग बस बस दिखा रहा हूं जगह वाटर होगा ना और अपूर्व जो छुट्टियां हमारी है वो पूरी हो गई है, नोट्स वगैरह बनाए वीडियो से। So, next, arrange the following compound in increasing order of their property as indicated. HCN की तरह reactivity में arrange कर। HCN वाली reaction कैसी है? Nucleophilic addition. कौन ज़्यादा अच्छा reactor? Aldehyde या ketone? Aldehyde. और अगर ketones हो या ketones हो उसमें alkyl groups क्या करते हैं? Reactivity को बढ़ाते हैं, कम करते हैं? कम करते हैं। अभी हमने देखा जैसे methyl group लग गया था तो उससे electrophilicity कम हो जाती थी, sterility बढ़ जाती थी। तो ये चीज सोचते हुए एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, कीटोन उससे कम, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप होंगे वो सबसे कम होगा। तो अरेंज करें। अच्छा तुम तो स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओ, बना पाओगे? ऐसे कर लिया, कौन सा एल्डिहाइड है श्रीना? इथेन। एसीटोन प्रोपेनॉल है। कम ऑन स्टार्ट, पहले स्ट्रक्चर्स बनाओ। हाँ स्ट्रक्चर बना भी नहीं, जल्दी बनाओ। जब बोल दिया एक बार, फिर दो बार पूछना, फिर तीन बार पूछना, पहली बार ही बोला बनाने हैं तो बनाने हैं। आज तो मैं माइक्रोब्स का टेस्ट है, पहले सी बिस्ट्री क्लीन प्लांट कंप्लीट करूंगा। कल है, कल ट्यूसडे। और छुट्टी मत मार लेना, ठीक है? सर इस बात को आप बता दें। तो बाउंड बनाने तो नहीं हो पाता, मुश्किल होती है। एसिटाल्डिहाइड माने इथेनॉल, मैंने अभी बताया ये है इथेनॉल। बन गया कोई बना? एसिटाल्डिहाइड इज इथेनॉल। अब बाकी सारे कीटोन हैं तो सबसे ज्यादा तो एल्डिहाइड रिएक्टिव होगा, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है? उसके बाद सर मैं जो स्ट्रक्चर बनाती हूं उसको लिखना है, खाली नाम से कर सकते हो, नाम से पर वो नंबर काटना चाहे तो काट सकते हो, अगर तुम 100 पे पहुंच जाओ। अच्छा एसिटाल्डिहाइड के बाद एसीटोन, क्योंकि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव है ना। अच्छा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में तुम्हें बता चुका हूं ये होता है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल होता है। तो डाइटर्जी ब्यूटाइल वाले दो जगह टर्जी ब्यूटाइल और बीच में कीटोन का ग्रुप, और टर्जी ब्यूटाइल और एक साइड मिथाइल, यानी एक साइड मिथाइल और एक साइड टर्जी ब्यूटाइल, तो एक साइड मिथाइल फिर कीटोन और फिर टर्जी ब्यूटाइल CH3 CH3 CH3।
ये हो गया मिथाइल टर्जिब्यूटाइल कीटोन, और डाई टर्जिब्यूटाइल कीटोन कैसे बनेगा? CH3CO सर मिथाइल होगा उसके बाद फिर डाई CH3C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कंडेंस फॉर्म है ना CH3 होल फ्रैक्स दिस इज इक्वल टू दिस जल्दी से बने क्योंकि जितने अल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे तो उसमें रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी कम ठीक है तो ये हो गया हमारा बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत से क्वेश्चन है So, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्वेश्चन होता है उसमें वो कैसे करते हैं डबल बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो अभी हम जैसे अभी वो भी मैंने देखे वो क्वेश्चन वो या तो टॉलिन पे लिंक थे या उसके थे तो अभी एक बार होने दो कंप्लीट पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट होने दो फिर एक क्लास पूरी उसी पे ही करेंगे वो तो सारे क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वाला ठीक है नोट कर लिया सबने होमवर्क क्या करके आओगे हेलिया कीटोन की अभी तक की सारी रिएक्शन कितनी बार रफ में सर ऑलरेडी पांच बार लिख चुके हैं दो बार और लिख रहा ठीक है रफ याद कैसे होंगी आज हमने कितनी सारी सीखियां होनी है डेरिवेटिव्स की ठीक है और डेली का काम है ये सोचो कि ऑर्गेनिक एंड में कर लूंगा अभी तो याद ही करना है फिर तो गए पैनिक हो जाएगा एग्जाम में ऑर्गेनिक देखे हो गली पड़ी थी अरे ये कहती होता ना ऑर्गेनिक में ऐसा जब तुम एक दिन पहले पढ़ो वो चीज वो तो कभी याद नहीं आती एग्जाम तो 10 दिन है ना 10 दिन में रोज 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 ऑर्गेनिक करना है ये बी ब्लॉक के साथ होता है जाओ लाइफ भी हो जाते हैं ऐसे भी होता है जब ज्यादा पढ़ लेंगे एक बार फिर से बोलो काट तो मैं कह रहा था आपके लिए थोड़ा सा भी आना होता है ना लाइक खाना बोल रहे हो थोड़ा आपसे भी आता है तो मतलब ब्लैक की बात है आप पर वो तुम्हें बताने नहीं आएगा ना भाई सर